नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों डीसी नलबारी रिक्रूटमेंट 2023 तो फाइनली रिलीज कर दिया गया, लिंक भी एक्टिव हो चुका है। दोस्तों इसके लिए आप लोग को ग्रेड थ्री पोस्ट मिलेगा, ग्रेड थ्री पोस्ट में आप लोग को 18 पोस्ट मिलेगा, इसमें लॉर्ड मेंडल पोस्ट का आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मैं आप लोग को बता दूंगी, आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से आप लोग को अप्लाई करना होगा। दोस्तों तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, तो वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप लोग को वीडियो देखने जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही एंड्रॉइड मोबाइल फोन से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों तो चलो दोस्तों ये मैं आप लोग को बता दूं, इसमें पहले आप लोग को दिखाऊंगा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म का मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करके फुल स्टेप मैं दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख सकते हो डीसी नलबारी रिक्रूटमेंट 2023 इसमें टोटल पोस्ट आपको 18 पोस्ट देने को मिलेगा, ये लॉर्ड मंडल का पोस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हो, ये देख सकते हो आप लोग को देने को मिलेगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें डिप्टी कमिश्नर नलबारी आप लोग को देने को मिलेगा। जॉब टाइप की बात करेगा तो ये असम गवर्नमेंट जॉब टाइप है। दोस्तों ये दूसरा स्टेट से कोई अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ असम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोग को साफ साफ बता दूं। दोस्तों तो दोस्तों इसमें जॉब रोल की बात करेगा तो ग्रेड थ्री पोस्ट आप लोग को मिलेगा, इसमें लॉर्ड मेंडल पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट की बात करेगा तो 18 पोस्ट देने को मिलेगा आप लोग को, ये ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होगा। दोस्तों इनका लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों 12 मार्च 2023 लास्ट डेट होने वाला है। दोस्तों तो बात आती है दोस्तों 18 पोस्ट है लेकिन कैटेगरी वाइज से फिर से उन लोग डिवाइड कर दिया गया। दोस्तों तो मैं आप लोग को बता दूँ कैटेगरी वाइज के लिए दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में 10 पोस्ट मिलेगा आप लोग को, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट मिलेगा, एसटीएच के लिए 2 पोस्ट आप लोग को देने को मिलेगा। दोस्तों लेकिन इसमें एससी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन एससी कैटेगरी लेकिन इस पर आप लोग को अनरिजर्व कैटेगरी करके आप लोग को पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीत सकते हो दोस्तों, नौकरी ले सकते हो। दोस्तों तो बात आती है दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो दोस्तों देख सकते हो इसमें क्लास 10 पास का होना जरूरी है। दोस्तों ESSLC का मतलब है क्लास 10 है, उसका साथ साथ आप लोग को RCC का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 6 मंथ का होना जरूरी है। दोस्तों देख सकते हो सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्वे सेटलमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दगीगांव गुवाहाटी का आपका सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। दोस्तों उसका साथ साथ आप लोग का नंबर सी में देख सकते 6 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। दोस्तों उसका साथ साथ आप लोग को द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज इंग्लिश एंड असमीज टाइपिंग का नॉलेज भी आना जरूरी है। दोस्तों अगर आपके पास स्किल है तो इस फॉर्म के लिए आप आवेदन कर सकते हो। दोस्तों तो बात आती है दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात करेगा दोस्तों देख सकते 18 से लेके 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उसका साथ साथ आप लोग को OBC MOBC के लिए आप लोग को 3 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों अगर SC and ST के लिए आप लोग को 5 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलेगा। दोस्तों उसका साथ साथ अगर PWD EWS के लिए आप लोग को 10 ईयर्स एज रिलेक्शन मिलने वाला है। दोस्तों उसका बात आती है दोस्तों इसमें देख सकते एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर द इसमें कोई एप्लीकेशन फीस कोई जरूरत नहीं लगेगा। दोस्तों जो भी हो अनरिजर्व हो OBC हो SC ST कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। दोस्तों देख सकते हो इसका लास्ट डेट होने वाला है 12 मार्च 2023 है। दोस्तों आप लोग को ऑनलाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों देख सकते हो आज से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों 12 मार्च तक ये ऑनलाइन अप्लाई चला, ज्यादा दिन नहीं है दोस्तों, देख सकते हो सिर्फ 10 दिन ही ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है। दोस्तों जो लोग इंटरेस्टेड थे इस फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हो तो ये आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। दोस्तों देख सकते हो ये मैं ऑनलाइन अप्लाई लिंक भी दूंगा। दोस्तों अगर एडवर्टाइजमेंट भी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं आप लोग को आप डाउनलोड करके देख सकते हो। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए मैं लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दोस्तों और अभी भी बहुत गुवाहाटी हाईकोर्ट कार्यक्रम में बहुत सारा अभी ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है। दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जैसे लिंक पर मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, ये देख सकते हो फोटो साइज आपको देखना चाहते हो तो दोस्तों देख सकते हो फोटो साइज दोस्तों देख सकते हो 20 KB से लेकर 50 KB तक आप लोग को अपलोड करना होगा। दोस्तों उसके बाद सिग्नेचर 10 KB से लेकर 30 KB आप लोग को अपलोड करना होगा। दोस्तों इसमें PDF साइज भी 200 KB से देख सकते हो आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है इस पर आप लोग को सारी देखने को मिलेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना। दोस्तों जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद देख सकते हो प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा, आप लोग को पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों देख सकते हो मैंने पहले बताया था लॉर्ड मेंडल ग्रेड 3 का पोस्ट, ये आप लोग को सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों जैसे सिलेक्ट करोगे तो प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे प्रोसेस टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ये आप लोग को सारी फिलअप करना होगा। दोस्तों कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को बता दूं। दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना।
पहले आप लोग को क्या करना, इसमें आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से आपका फुल नेम डाल देना, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना, दोबारा से मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना दोस्तों, उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी डाल देना, उसके बाद इस पर आपका जेंडर क्या है मेल एंड फीमेल आपको हिसाब से सेलेक्ट कर देना दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बार आती है आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना, उसके बाद आपका फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, इसमें स्पाउस नेम तो छोड़ देना, इसमें कोई छोड़ देना क्योंकि इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है दोस्तों, ये कंपलसरी नहीं है दोस्तों। उसके बाद रिलीजन के आती है, आपका रिलीजन के लिए क्या है दोस्तों, रिलीजन का मतलब आपका धर्म क्या है, हिंदू क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट आपको इस्लाम धर्म है, ये है रिलीजन के जगह आपका धर्म क्यों आपको दे देना दोस्तों। इसमें आपका नेशनलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन रहेगा दोस्तों, इन कैटेगरी आपको किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी एसटी आपको हिसाब से इस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद आती है नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों, हाउस नंबर डाल देना, उसके बाद विलेज टाउन डाल देना, उसके बाद आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपका एरिया का पिन कोड डाल देना दोस्तों, सही सही दे देना। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक मार्क कर देना दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, ये वाला भी सारी टिक मार्क कर देना क्योंकि आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, इसमें ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात आती है दोस्तों आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, इस पर आपका किस जगह पे आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कराया वो ऑफिस का नाम इस पर डाल देना दोस्तों। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर एक्सपायरी डेट इस पर डाल देना, उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे दोस्तों इस पर फिल कर देना, उसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से बता देना, चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से बता लेता हूँ दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो मैंने सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों, मेरा तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है इसलिए मैं इस पर टिक कर दूंगा। अगर आपको भी आपको हिसाब से डाल देना, अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर देना, अदरवाइज सबको अलग अलग से इस पर बदल रहा होगा दोस्तों। मेरा तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है इस पर इसलिए टिक मार्क कर दूंगा दोस्तों। जैसे टिक मार्क करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पर से फिल हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों भी आप लोग को टिक मार्क कर देना दोस्तों, प्लेस ऑफ बर्थ है इसलिए इस पर टिक मार्क कर देना दोनों में दोस्तों। उसके बाद नीचे आ जाना, मैंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर भी मैंने डाल दिया दोस्तों, उसके बाद ये आपको देख रहे हो दोस्तों इस पर डालना होगा दोस्तों। चलो मैं फटक से कैप्चा कोड भी मैं डालता हूँ दोस्तों, देख सकते हो फाइनली मैंने कैप्चा कोड भी मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों देख सकते हो फाइनली हो चुका है। तो दोस्तों अभी क्या करना है दोस्तों, इस पर आपका क्लास 10 का डिटेल आपका भरना होगा दोस्तों। क्लास 10 का डिटेल कैसे भरना है आप लोग को मैं आप लोग को बता दिए, तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा किस बोर्ड से आपने पास किया क्लास 10 इस पर आपको डालना होगा दोस्तों। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डाल देना किस ईयर से आपने पास किया, उसके बाद आपका डिवीजन क्या है फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन आपको हिसाब से भरना होगा दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका क्लास 10 का परसेंटेज डाल देना दोस्तों। उसके बाद आपको डिप्लोमा कोर्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा दोस्तों, इसलिए देख सकते हो डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा और डिग्री का डिटेल आपको इस पर डालना होगा दोस्तों। उसके बाद किस इंस्टीट्यूट का नेम इस पर डालना होगा दोस्तों, उसके बाद ड्यूरेशन मान इस पर डाल देना, उसके बाद किस ईयर में आपने डिप्लोमा कोर्स आपने किया है आपको भरना होगा दोस्तों। उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हो दोस्तों, ये कैप्चा इस पर फिल कर देना, उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से बता देना, चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से बनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने कैप्चा भी मैंने भर दिया, उसके बाद आप लोगों को सबमिट एंड प्रोसेस नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आप लोगों को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, देख सकते हो कैंडिडेट एक्सपीरियंस का डिटेल आपको इस पर भरना होगा दोस्तों। आपका कैंडिडेट एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन कितना मान की कितना साल कितना मान किया है इस पर डाल देना, उसके बाद आपका नेम ऑफ आपका ऑफिस का नाम भर देना दोस्तों। उसके बाद इस पर नेम ऑफ पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपने काम किया है वो आपको डाल देना दोस्तों। उसके बाद सारी आप लोग को इस पर फिलअप करने के बाद क्लिक हियर टू सेव योर एक्सपीरियंस डिटेल पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो चलो मैं फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से फिलअप कर देना, मेरा भी मेरा हिसाब से मैं फटक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मेरा एक्सपीरियंस डिटेल मैंने भर दिया, उसके बाद क्लिक हियर टू सेव योर एक्सपीरियंस डिटेल पर मैंने आप लोग को सेव करना होगा दोस्तों। देख सकते हो मैंने सेव कर लिया दोस्तों, नीचे आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो इस पर आ चुका है दोस्तों। अगर एडिट करना चाहते हो फिर भी एडिट ऑप्शन एडिट कर सकते हो, अगर डिलीट करना चाहते हो एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और ऐड करना चाहते हो और दूसरा भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद ये आपको कैप्चा दिख रहा है इस पर डाल देना, उसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। चलो मेरा हिसाब से नहीं डाले तो आपको भी आपको हिसाब से फटक से डाल देना। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कैप्चा मैंने भर दिया, उसके बाद प्रोसेस नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पहले आप लोग एक एक करके सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। जैसे आप एक सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों पहले आप लोग को किस डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, ये सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कंपलसरी है, जो जो स्टार मार्क है कंपलसरी है, ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नहीं है दोस्तों। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके पास है तो अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज सर्विस सेकंड इसमें कोई कंपलसरी क्योंकि स्टार मार्क नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों एक एक करके आपको सेलेक्ट कर देना। चलो मैं फोटो जैसे कि मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया दोस्तों, उसके बाद आप लोग को चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट रखा है वो आपको सेलेक्ट कर देना दोस्तों। चलो मेरा भी मेरा हिसाब से मेरा फोटो रखा है मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, सिंपली से आप लोग को जहाँ पे आपका फोटो रखा है सेलेक्ट कर देना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अपलोड बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो जैसे आप लोग बटन पर क्लिक करते हो देख सकते हो फोटो अपलोडेड हो चुका है। इस पर आप लोग को फिर भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो व्यू ऑप्शन पर, अगर फिर से देखना चाहते हो तो देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके आप लोग को अपलोड कर लेना। चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से सारी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर लेता हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मैंने सारी मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर व्यू करना चाहते हो तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को व्यू ऑप्शन करके आप लोग को क्लिक करके व्यू अपलोड व्यू करके देख सकते हो दोस्तों, दोबारा अपलोड भी कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने कैप्चा भी मैंने फिल कर दिया दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से कैप्चा फिल कर देना दोस्तों। उसके बाद प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों इस तरफ से आप लोग का फॉर्म निकल कर आ जाएगा दोस्तों। आपको फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं भी अच्छा से मैं देख लेता हूँ, आपको भी आपको हिसाब से अच्छा से देख लेना। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अच्छा से देख लिया दोस्तों। अगर एडिट करना चाहते हो तो दोस्तों गो बैक एंड मेक करेक्शन बटन पर सिंपली से क्लिक करके दोबारा से आप जो भी गलत है वो आपको एडिट कर सकते हो दोस्तों। अगर फाइनल सबमिशन पूरा कर रहे हो तो आई एग्री बटन पर टिक मार्क कर देना दोस्तों। इस तरफ से जैसे टिक मार्क करोगे तो दोस्तों इस तरफ से इधर कंप्लीट एंड प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना, आपको फाइनल सबमिशन कर देना दोस्तों। जैसे कंप्लीट बटन पर क्लिक कर दो देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है दोस्तों। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको देख सकते हो डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे डाउनलोड योर एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों देख सकते हो मेरा फाइनली सबमिटेड हो चुका है देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ लाइक और को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और उस तरह का। और जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा दोस्तों इस चैनल में आप लोग को मैं आप लोग को सारी मैं प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ये वीडियो देखने के बाद आपका दोस्त को भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।